सो मेरे भाइयों, क्या आप लोग भी फ्री के इंटरनेट के चक्कर में काफी ज्यादा परेशान है? आप लोगों को पता होगा भी प्ले स्टोर के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी जहां पे से आप लोग उसे इंस्टॉल करके, और अगर आपके पास जियो का सिम था तो आप लोग फ्री में अनलिमिटेड इंटरनेट चला रहे थे। मैंने खुद ने भी बहुत सारा इंटरनेट चलाया, मैंने उसके ऊपर एक डेलिकेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई अब पूरी तरीके से आप लोग फ्री इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। जो सर्वर थे वो जियो वाले ने प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन तो आज भी वो चल रही है बट उसके अंदर जो सर्वर मिल रहे हैं वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो जियो के सर्वर वालों ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब बात करें कि मेरे भाइयों ये जियो वालों ने ब्लॉक क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाइयों, ये कुछ एप्लीकेशंस थी, इन एप्लीकेशंस ने उनका लूप होल निकाल के उनमें से फ्री इंटरनेट चला रहे थे। अब आप बोलते हैं कि भाई हमने ये बताया, तो मैं आप लोगों को बता दूं हमने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ना उन्होंने कोई वीडियो देखी ना कुछ देखा। उनको जब वो अपने लूप होल के बारे में पता चला होगा तो उन्होंने वो सर्वर को ही पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होगा। अब आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई कंपनी आप लोगों को फ्री इंटरनेट के बजाय आप लोगों से जब रिचार्ज कराते हो तब आप लोगों को इंटरनेट देती है, और जब उस कंपनी को पता चले कि आप लोगों का फ्री इंटरनेट यूज़ हो रहा है, कंपनी क्यों उसे ब्लॉक नहीं करेगी? मेरे को इस बात का आप लोग जवाब दे दो। अब मेरे भाई बहुत से पूछेंगे तो भाई क्या हम अब फ्री इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता दूं, आप बिल्कुल अभी भी फ्री इंटरनेट चला सकते हैं। मैं यहां पे नहीं बता सकता, ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे भाइयों बात कर लेते हैं, तो जो एप्लीकेशंस थी उनका क्या होगा? तो मेरे भाइयों उन एप्लीकेशंस का कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ें जियो वालों से ही मिली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इन एप्लीकेशंस के ऊपर आप लोगों को कभी ना कभी दोबारा से इंटरनेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आज से 2 साल पहले भी आप लोग फ्री में इंटरनेट चला रहे थे, तो जब उसके बारे में भी कंपनी को पता चला था तो उन्होंने उस समय भी बंद कर दिया था, फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से अभी इंटरनेट चलाया है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है मेरे भाइयों, ये चीज़ें होती रहती हैं और बार बार ये होती रहती है। मतलब आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए इंटरनेट मिलेगा, फिर उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोई जुगाड़ निकाल के वीपीएन वाले कहीं ना कहीं कुछ तरीका ढूंढ के फिर आप लोगों को फ्री इंटरनेट मिलने लग जाता है। अब मेरे भाइयों बहुत से भाई बोलेंगे कि भाई हम अब फिर कब तक कैसे फ्री इंटरनेट चला सकते हैं, तो भाई इसका आंसर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को जो अभी तक एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई है उन एप्लीकेशन को आप लोग फिलहाल तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नई एप्लीकेशन है जहां पे से आप लोगों को इंस्टॉल करके आप लोग नेट चला सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पे नहीं बता पाऊंगा, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। बट आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, मैं आप लोगों को वहां पे गाइड कर दूंगा आप लोग किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन एप्लीकेशंस की, जो ये फ्री के इंटरनेट आप लोगों को दे रही थी ये कितना सेफ है और कितना नहीं सेफ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाइयों, अगर आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो वीपीएन हो या कोई गेमिंग हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, अगर आप लोग उसे प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां से मैं आप लोगों को बता दूं कोई भी एप्लीकेशन रिस्की नहीं हो जाती, वहां पे वही एप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगी जो पूरी तरीके से सेफ होती है और आप लोगों के कोई भी डाटा को चोरी नहीं हो सकता। जो एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए तो वहां से आप ऐसा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलती इन एप्लीकेशन से रिलेटेड। बट अगर मेरे भाइयों आप लोग प्ले स्टोर से छोड़कर आप लोग कहीं गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वहां से रिस्क बढ़ जाता है, वह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कुछ भी गारंटी नहीं होती कि ये एप्लीकेशन कितनी सेफ है और कितनी नहीं सेफ है। तो आप लोगों को जब भी इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो हमेशा याद रखो कि आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर से ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मेरे भाइयों ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आप लोगों के साथ आके क्लियर करनी थी, तो फिलहाल मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर देना, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है वहां फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया अगर लोगों को मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। तो चलिए मेरे भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।